धन्यवाद सर, आपने डिबेट में बोलने का मौका दिया। और मैं ये कहना चाहूंगा, आवाज आ रही मेरी? जी, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो शिक्षा मित्र है, ये केवल राजनीतिक शिकार हुआ है। इसको आदरणीय संत हृदय योगी जी पता नहीं क्यों इतना विद्वेष मान बैठे हैं शिक्षा मित्रों से, क्योंकि आपने अभी प्रश्न शायद कल्पना जी पे किया, पूछना चाहते थे कि आपने ये कैसा समझ लिया कि शिक्षा मित्र सरकार विरोधी है। तो मैं ये इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि सरकार हम लोगों को पिछले दो चुनावों से कभी चुनाव ड्यूटी नहीं करने देती भारतीय जनता पार्टी सरकार, जबकि ऐसा नहीं है। हमने तो जब जब चुनाव ड्यूटी की, हमने आपके आदेशों का अक्षरशः और पूरे मनोयोग से पालन किया। जब जब आपके आदेशों की हमें जानकारी हुई, हम ज्यादा से ज्यादा ये चाहते हैं, सारा शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश का ये चाहता है कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, संत हृदय योगी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, सारे प्रदेश में ऐसे काम किए हैं और हम भी अच्छे काम करेंगे तो शायद हम पर मेहरबान हो जाए। इसलिए और अधिक, क्योंकि जिसको लालसा होती है वो और अधिक दिखाने के चक्कर में कुछ अच्छा काम करना चाहता है, और इसीलिए चाहे समझ लो या अपने कर्तव्य का निर्वहन समझ लो, शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से पूरे उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। और ये संत हृदय आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के राजा भी हैं। जो ये कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। अभी बहन ने हमारी कहा कि वो आदरणीय कल्याण सिंह जी के वो सुपौत्र शायद शिक्षा मंत्री हैं। कोई नहीं कर सकता है जो संत हृदय आदरणीय योगी जी कर सकते हैं। इन्होंने लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश में इतनी योजनाएं चलाई, किसानों के लिए इतनी योजनाएं चलाई, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई, और जो उत्तर प्रदेश के सरकारी योजनाएं हैं इनको अगर पढ़ना चालू कर दें तो शायद डिबेट कम पड़ जाएगी, हम नहीं बता पाएंगे आदरणीय। लेकिन पता नहीं शिक्षा मित्रों के प्रति ऐसी अच्छी भावना लेकर अगर काम किया जाए तो हम लोगों का भी उद्धार हो सकता है, हमसे द्वेष न रखा जाए। हम आपके आदेशों का पालन अक्षरशः कर रहे हैं। और हमारे छवि बहन ने जो बताया कि विद्यालय में, ये एक दो विद्यालय में होगा, सारा स्टाफ बहुत सपोर्ट करता है। हमारे विद्यालय में भी बहुत अच्छे लोग हैं, हम भी उनका सपोर्ट करते हैं, वो भी हमारा सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी फीडबैक नहीं लिया जाता है विद्यालयों से, अध्यापकों से कभी फीडबैक नहीं लिया गया। अगर फीडबैक जाता होता तो शायद हम लोगों को अब तक सरकार कर देती। तो मैं चाहता हूं कि फीडबैक ले सरकार कि आपके विद्यालय में शिक्षा मित्र क्या योगदान कर रहा। हमारी कई बहनें, अभी पिछले दिनों हमने देखा, हमें जानकारी हुई कि कुछ खंड शिक्षा अधिकारियों ने अन्य जिलों में लिखा शिक्षा मित्र के लिए कि आपका सराहनीय कार्य, कहीं कहीं तो ऐसा लिखा गया कि विद्यालय में किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया जैसा शिक्षा मित्र ने कार्य किया है। ये ऐसे मुझे जिले का शायद नाम नहीं याद आ रहा है, बरेली हो या कहीं हो, जहां पर शिक्षा बदायूं मित्र जिले के, में एक स्कूल में लिखा गया, बदायूं जिले के हाँ, अंदर बदायूं जो बदायूं बदायूं लिखा जिले में शिक्षा मित्र के लिए लिखा गया। गया कई हजार, जी विवेक जी, कई हजार स्कूल है, एक स्कूल से नहीं कुछ हो जाएगा, एक स्कूल का लिख जी दिया जी जाए तो नहीं एक नहीं अभी सरकार अभी को करंट का, जी करना जी पड़ेगा, सरकार को जी करना और पड़ेगा। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सरकार सरकार है कि करना पड़ेगा। और हमारी जो परेशानियां हैं शिक्षा मित्र की, ये आदरणीय संत हृदय योगी जी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो समझते ना हो, वो सब समझते हैं। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि संत हृदय से कि थोड़ा सा हमारे लोगों पर भी दया करें। आप राजा हैं प्रदेश के, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, और आपसे सारा शिक्षा मित्र इसी आशा भरी निगाह से देख रहा है। अरे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम किसके आगे रोएं, हम किससे कहे जाकर। हमने तो 20 वर्ष अपने जीवन के दे दिए आपको, हमारी भी बच्चों के लिए पढ़ाई आवश्यक है, हम किससे कहेंगे जाकर। आज हम कहाँ चले जाएंगे, कौन हमको रख लेगा, कहीं हमको, हमारा कोई काम नहीं हो सकता। तो और हम पूरे मनोयोग से जब हम लगे हैं तो मैं चाहता हूं कि कोई प्रदेश में करे ना करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा करने वाले को अच्छा जरूर करती है, क्योंकि इतनी योजनाएं हैं सारी तरफ। जब हम लोग कभी समाज में बैठते हैं और आपके योजनाओं का बखान करते हैं आदरणीय योगी जी के संत हृदय का, तो समाज से एक बात कही जाती है कि इसीलिए तुमको वो परेशान किए हैं, इसीलिए तुम बहुत योगी जी की तारीफ करते हो। तो अब बताइए, जब हम
शिक्षा मित्र योगी जी के बारे में कुछ अच्छा करते हैं तब समाज से ये ताना मिलता है कि शायद इसीलिए तुमको कुछ नहीं किया जाता है, तुम इतनी बात बता रहे हो योगी जी के। तो ऐसे भी लोगों का हमें मुंह बंद करने का मौका दे सकता, हम उनके साथ हमेशा रहे। द्विवेदी जी बहुत आप डीपली चले गए, इतना डीपली अभी नहीं जाने की पोजीशन है, क्योंकि सरकारें हमेशा अपने ही मन से करती हैं। सरकार कभी जी, जी। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बहुजन समाज पार्टी को, सिर्फ वोट के लिए काम करती है, सिर्फ वोट के लिए। मेरी बात को बहुत खुले दिमाग से जाएगा, उन्हें जिस दिन पता लग जाएगा कि शिक्षा मित्र अनुदेशक हमारा कुछ नुकसान कर देगा, उसी दिन आपको नियमित कर दिया जाएगा, जिस सरकार को पता लग जाएगा। ये मैं इसलिए कह गया, क्षमा चाहता हूँ टोकने के लिए, ये मैं इसलिए कह गया क्योंकि ये संत हृदय है, इनका संत राजनीति से अलग है। सरकार का विरोध नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी जी जी, अगर आपको सरकारें नहीं समझ पाई कि शिक्षा मित्र क्या करता है, शिक्षा मित्र को अभी भी अपनी अग्नि परीक्षा सीता माता की तरह हमेशा देनी पड़ेगी, तो कब तक देगा अग्नि परीक्षा? 20 वर्ष हो गए, 5 वर्ष बाद रिटायर हो जाओगे, जी, 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 ये तो देखो ये एक आशा है, बाकी तो हम 60 वर्ष तक इनके आदेशों का पालन करते रहेंगे, लेकिन ये एक आशा। और ये संत हृदय है, क्योंकि माननीय योगी जी संत हृदय है, कोई समझे न समझे, कोई राजनीतिक दल समझे न समझे, लेकिन इनसे तो मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये संत हृदय है, इनका हृदय जो है सबके लिए समान है। और वो किसी भी तरीके के देश प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और प्रत्येक देश का कर्मचारी मुख्यमंत्री से ही आशा रखेगा, किसी और से नहीं रखेगा। जी 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 जी, 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 जी।